एवरीबडी प्लीज फॉर गिव मी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन आई नेवर शाय अवे फ्रॉम स्पीकिंग हिंदी क्योंकि इफ माई हिंदी इज बैड आई एम अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट मेरा जॉब है आपके साथ कम्युनिकेट करने का तो इस एक घंटे के अंदर आज मैं मेरा स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड सर थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन

अगर ये रिकॉर्ड तोड़ने का जिसके पास आदमी के साथ है ट्वेंटी फोर आवर्स नॉन स्टॉपिक और अगर आपको ये रिकॉर्ड uh, तोड़ने का है तो द लेडीज नेम वॉज दिनाज फ्रॉम हैदराबाद वेरी वेरी फेमस ओन जिम्स एंड ऑल डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको ट्वेंटी सिक्स आवर्स नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करने का है सो द सीक्रेट इज ओनली इन द diet. क्योंकि अगर तुम्हारा तुमको अगर क्रैंप मिलेगा So, your record will be This is the number one thing. What is the function of sports nutrition? Why should a coach know about nutrition? So, let's go forward. Uh, sir has already introduced uh, various of the superstars that are there. So, in, in this list, uh, I have included only the, the sports people. Shikhar Dhawan, Robin Uttapa, Rohit Sharma, you have Yuvraj, you have Veer He is one of the fastest Indian swimmers. Uh, I, you know, to be honest with you coaches, यू माइट से अरे यार में तो रोइंग का हूं तो रेसलिंग का हो मैं तो वॉलीबॉल का हूं अपिल नाउ दे हैज नॉट बीन लॉट ऑफ फोकस ऑन न्यूट्रिशन लास्ट थ्री इस आई एम सीन गवर्नमेंट गिविंग गुड 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 फोकस ऑन न्यूट्रिशन सो बिफोर दिस ओनली दीपल हु की जो क्रिकेटर्स होता है इसके पास पैसे के साथ आता है क्लिनिक में आते हैं बट आई एम सींग्यूज चेंज इसलिए मैंने आज ये तीनों सेशन आज परसों ने बिकॉज आई वॉन्ट द कोचेज टू अंडरस्टैंड की अगर बाई मेरे पास चैंपियन है कैन आई सी दैट चैंपियन एंड कैन आई नो वेद न्यूट्रिशन इज गुड और न्यूट्रिशन इज बैड सो आई वॉन्ट गिव यू देश टूडे ओके सो लेट स्टार्ट विदिक्स बेसिकली न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग को हैंड इन हैंड एक सवाल सब कोचेस को पूछने का है अगर आप कुछ, अगर आपका शरीर गाड़ी है इफ योर बॉडी इज अ कार ओके वॉट विल योर कार भी लाइक माई ड्रीम कार इज द बी एमडब्ल्यू सो अगर मैं जिंदगी में आदमी नहीं हूं लेकिन गाड़ी हूँ आई विल बी अ बीएमडब्ल्यू अभी जो बी एमडब्ल्यू है इसके अंदर कौन सा फ्यूल डालेगा कौन सा कपड़ा यूज करेगा आ, बार का जो आ, पेंट वर्क को साफ करने के लिए

साइंटिफिक फोकस है लेकिन हमारा जो दाल चावल रोटी खाना भोजन सापाड़ ऊटा फूड इट इज़ वेरी मतलब लव और कल्चर मतलब अगर आप हरियाणा का है आप बंगाल का है आप केरला का है या अगर आप ते, तेलंगाना का है दर फूड इज ईटन बाय टेस्ट बट मतलब मम्मी ने बनाया या तुम्हारा जो खानदान के अंदर मतलब आपकी

क्योंकि एथलीट के पास टेस्ट बर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि जहां भी जाएगा पूरा आ, मतलब के के अंदर अर्थ के अंदर पूरा दुनिया के अंदर साउथ इंडियन एथलीट क्या बोलता है सर आज डोसा नहीं नहीं मिला खा सकता है और नॉर्थ इंडियन का एथलीट हरियाणा तो अरे यार पराठा तो नहीं तो हम कैसा खा सकता है सो द जॉब ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट इज टू टीच द कोच एंड द प्लेयर कि भैया ये जो ट्रेनिंग होता है उसके साथ में न्यूट्रिशन का जोड़ी करने का है।

फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट लिबरली और नीचे वाला जो ग्रेन होता है मतलब आपका पेट्रोल कोई भी एथलीट का पेट्रोल होता है तो ग्रेन केयरफुलज द मेजोरिटी ऑफ कैलरीज आई एक्सप्लेन दिस गो फॉरवर्ड हाउ यू टेक बाई द वे केस द कोचेस, अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए द प्रेजेंटेशन यू वॉन्ट यू वॉन्ट एनी मोर डॉक्यूमेंट्स दिस इज दल आई डी Uh, that you can take down. Radul at Koanutrition.com. Radul is my relationship manager. Uh, last session I had for Sai, we had nearly 1,800 comments. I will tell you every 1,800 comments we answered back to every person who participated in the Sai. Whatever you needed, you needed COVID document, you needed diet plan for COVID, you needed XYZ query answered, we answered it. So I am blessed to have, I have 50 dietitians, hai, 50 dietitians hai, 9 clinics in full India. My job kya hai? अगर किसी को डायट चाहिए किसी को डायट का एडवाइस चाहिए रीच आउट टू अस वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन दिस इज नॉट माय मोबाइल नंबर प्लीज फॉर गिव मी सब लोग मेरे पास आते हैं कॉल करते हैं राइन सर मेरे को फ्री डायट चा, चाहिए अगर 3500 कोचेस है अभी इस फोरम के ऊपर मेरे पास उतना टाइम नहीं सबका मुफ्त का एडवाइस देने के लिए तो इसलिए मैंने एक सिस्टम बनाया कि अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए या कोई सवाल है प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर इफ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी और दैट पर्सन इज गोइंग फॉर द ओलंपिक्स कॉल इन हाफ एन आवर माई टीम डिसाइड दैट ओके ना लेट एस अंडरस्टैंड इन नेचर अभी मैंने बोला ना आपका शरीर जो होता है आपका एथलीट का शरीर वो बी एमडब्ल्यू का है या मसरीज बेंस का है या रोल्स रॉयस का है समझ लीजिए ये गाड़ी के अंदर आपके पास तीन फ्यूल होता है फ्यूल का मतलब जैसा पेट्रोल होता है तो एक का पेट्रोल होता है एक तो कैरोसिन का होता है एक गैस होता है ये सब फ्यूल होता है जिंदगी में हमारा नेचर में तीन चीज होता है जो इंग्लिश में बोलता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट तो मतलब इस 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 इस, इस आ, फूड के अंदर हम साइंटिस्ट लोग हैं फूड साइंटिस्ट लोग हम लोग क्लासिफाई किया कि कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा भगाने का मतलब भागने के लिए एनर्जी के लिए दैट इज द मेन सोर्स बॉडी शरीर को बनाने के लिए टू मेक द ह्यूमन बॉडी यू नीड प्रोटीन एंड फैट इज द स्टोरेज मीडियम फॉर सर्टेन हॉर्मोन्स And अगर ज्यादा फैट होते हैं तो आप मोटा होते हैं। सो so, ये तीन जो होता है साइंस ने डिस्कवर की भाई अगर एथलीट है तो उसको अप्रोक्सिमेटली 50 टू 60 परसेंट क्या कार्बोहाइड्रेट देने का है प्रोटीन 15 परसेंट और फैट 25 परसेंट समझ लीजिए आपके गाड़ी के अंदर तीन पेट्रोल टैंक है और ये मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का टैंक आप 60 परसेंट प्रोटीन का मतलब kerosene, kerosene 15 और फैट अभी जिंदगी में आपने शायद सुना कीटो डाइट या एटकिन वेरी इंटेलिजेंट एंड एडुकेटेड सो वॉट डिस मीन इज द कीटो डाइट इज नियरली एटी परस एटी परसेंट फैट मतलब ये जो पेट्रोल टैंक जो होते हैं ना उल्टा करता है

पहला फ्यूल जो होता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नेचर के अंदर जो सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है जैसा अगर आप पेट्रोल लेता है तो पेट्रोल इज सिंपल फ्यूल कॉम्प्लेक्स फ्यूल इज क्रूड ऑयल जहां तेल वेल जमीन से आता है क्रूड ऑयल सो इन नेचर आल्सो यू गेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसा यू कैन टेक दाल सब लोग बोलते हैं सर दाल प्रोटीन है अब अगर आप गूगल करेगा दाल इज ओनली 6 टू 10% प्रोटीन बैलेंस का है कार्बोहाइड्रेट सो so इसका मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट जो वेजिटेबल के अंदर पल्सेस पल्सेस का मतलब आपका दालस तो दालस और वेजिटेबल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स का मतलब इसका जो बॉन्ड होता है बोथ uh, मतलब तंदुरुस्त है फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल ऑल ऑफ अस कोचेस आर गोइंग फॉर अ पार्टी तो मतलब साई पटियाला का कोचेस एक बैच होता है त्रिवेंड्रम का एक बैच होता है भोपाल का एक बैच होता है सो मतलब मॉलिक्यूल जो आता है उसको सिंपल बोलता है सो फॉर एग्जाम्पल वेन यू ब्रेक डाउन वेजिटेबल यू विल गेट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑफ फ्रुक्टोज और एनी अदर शुगर सो सिंपल लॉजिक इज अरे ये एथलीट भाग रहे राइट वो एक घंटा का एक्सरसाइज कर रहा है अच्छा सर वो एक घंटा का एक्सरसाइज करते और अच्छा, समझ लीजिए ये बी एमडब्ल्यू फोर हंड्रेड ट्रैक के ऊपर आई विल डू कैलकुलेशन ओ फोर हंड्रेड मीटर राउंड सर्कल ही इज डूइंग ट्वेंटी टू टाइम्स ओ इसका वजन इतना है अच्छा इसका फैट परसेंटेज इतना होता है oh, अभी 800 हंड्रेड कैलरीज कहां से आता है मतलब ये जो फ्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट यू पुट इट इन टू बॉडी। अभी आपका चॉइस क्या है आपका एथलीट का चॉइस क्या राइस बेस्ड कार्बोहाइड्रेट बेस्ड यू कैन ईट सम दाल सांबार यू कैन ईट सम रसम यू कैन ईट पालक दाल सो लाइक दिस द फंक्शन ऑफ द डिसाइड

Indian understanding of diet is deficient in protein. I repeat, Indian diet is not deficient in protein, Indian understanding or Indian ka joke bejah, hai vegetarian or non-vegetarian source, knowledge awareness, it's not there. So people don't understand ki you can get all the requirements for the diet. Why do we sports nutritionists or why do coaches or why do players take a protein supplement? Because it is a nutritional convenience. फॉर न्यूट्रिशनल इनडिसिप्लिन इसका मतलब है अगर तुम्हारा एथलीट डिसिप्लिन नहीं है खाना सही टाइम पर नहीं ले रहा है उसको पता है नहीं कि कितना कार्बोहाइड्रेट होता है कितना प्रोटीन होता है तो उसको पता नहीं कि मेरे को कितना प्रोटीन लेने का तो वो क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है कोच अरे भाई एक स्कूप ऑफ प्रोटीन ले लो डू यू रिक्वायर प्रोटीन येस डू यू रिक्वायर प्रोटीन स्कूप अंटिल यू नो योर फुल रिक्वायरमेंट यू शुड नॉट गिव अ सप्लीमेंट टिल एथलीट मीट्स द रिक्वायरमेंट फ्रॉम डाइट क्योंकि समझ लीजिए अगर आप गाड़ी है ठीक है और गाड़ी के अंदर पहला नॉर्मल फ्यूल डालने का है तो पता नहीं आप कितना लोग गाड़ी का, गाड़ी का के अंदर शौक है लेकिन अगर आपके पास रेस कार होता है तो आपने शायद कोई मूवी देखा वो साइड में एक छोटा वाला नाइट्रस का कैन होता है वो बूस्टर है सो so जब रेस में गाड़ी चलाते पेट्रोल के ऊपर लास्ट मोमेंट वो बटन प्रेस करते हैं और नाइट्रस का बूस्ट पेट्रोल के साथ मिला के सिमिलरलीटिक्स in, in हम लोग क्या सोचते सर, मेरे को वो स्पेशल फ्यूल चाहिए वो स्पेशल सप्लीमेंट चाहिए तो सप्लीमेंट 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 और यहां का दाल चावल रोटी एकदम घटिया है the दाल चावल रोटी द बेसिक फूड इज वेरी 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 नॉन साइंटिफिक सो वॉट आर डूंग्राइंग टू पुट सप्लीमेंट अपन ऑन अ वेरी शेखी फाउंडेशन तो वो जो, जो शेखी फाउंडेशन होते हैं इसलिए प्लेयर्स नहीं जीतता क्योंकि जब बाहर जाता है सप्लीमेंट तो सेम होता है लेकिन खाने का चीज अलग होते हैं और हम लोग जो डायटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट लोग हम आ, प्लेयर के अंदर वी हैव अ सॉलिड डाइट इक्टिव इफ इज गॉन टू जैपान एंड हैव नो बेजर टू थिंक अबाउट सर आई बड्स नहीं मैंने उसको निकाल दिया रिटायरमेंट के बाद टेस्ट बार वापस लगाएगा सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन फर्स्ट फ्रॉम डाइट व्हाट इज प्रोटीन प्रोटीन इज अ कंपाउंड फाउंड इन नेचर जब आप उसको खाता है आपके सुमित मिक्सर के अंदर जाते हैं ये स्टमक जो होता है ये आपका सुमित मिक्सर है उसके अंदर एसिड है तो ये प्रोटीन इस एसिड के अंदर जाते सॉरी पहला प्रोटीन हम लोग कुक करता है हीट लगाता है तो हीट ये जो प्रोटीन है ना समझ लीजिए जो होते हैं ना मो, 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 आ, मोती, think, ना मोटी आई थिंक सो इमेजिन अ पर्ल स्ट्रिंग so, तो मतलब पूरा नेकलेस के अंदर सब मोटी मोटी का पर्ल जो होता है ना वो हर मोटी मोटी पर्ल्स इज लाइक वन अमीनो एसिड और पूरा जो नेकलेस होता है वो इंग्लिश में बोलता है प्रोटीन तो नेचर में अलग अलग वाला प्रोटीन प्रोटीन का मतलब अगर आप नॉन वेज है तो मटन से आता है फिश से आते हैं चिकन से आते हैं एग से आते हैं अगर नेचर में वेजिटेरियन सोस लेते हैं तो पनीर के अंदर आता है आपका जो लोबिया चना राजमा दाल तूर दाल मसूर दाल और जो भी वेजिटेबल होता है थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा अमाउंट का प्रोटीन होता है अभी हम लोग प्रोटीन ऑब्जॉर्ब नहीं करता है ध्यान सुन लीजिए सिलिसिन वी डू नॉट अब्सॉर्ब प्रोटीन वी अब्सॉर्ब द ब्रोकन डाउन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन मीनिंग वी ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रोटीन मतलब प्रोटीन का तोड़-फोड़ करता है स्टमक के अंदर और बाद में स्टमक बोलते हैं ठीक है साहब आपका डाइजेशन हो गया आप आगे बढ़ सकते हैं यू कैन नाउ गो टू इंटेस्टाइन वहां में इंटेस्टाइन का अब्जॉर्बन होता है इंटस्टाइन का पास एक गेट कीपर है अभी तक सब सोसाइटी बंद होते हैं मेरा सोसाइटी आप अंदर नहीं आ सकता है तो वो सिक्योरिटी अंदर अंदर का, तो का है हाथ धोने का है सिमिलरली ए तुम तुम से आ गया मटन से आ गया ना अच्छा तोड़ फोड़ हो गया हाँ तोड़ फोड़ हो गया अभी अमीना एसिड बन गया ठीक है भाई आप अंदर जा सकते हैं अगर वो मटन पूरा डाइजेस्टेड नहीं हो गया ए भाई साहब तुम आगे जाओ यहां से इंटेस्टाइन का कोई ब्लड के अंदर कोई इमिग्रेशन का डायरेक्शन नहीं है जैसा इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं पासपोर्ट स्टैम करता है सो द प्रोटीन बी वेल डाइजेस्टेड सो प्रोटीन व्हेन वी ईट बी वेल टेक्स टाइम फॉर डाइजेशन जैसा दूध एक घंटा लगता है पूरा डाइजेशन करते हैं अगर बिरयानी का आएगा वो मटन छंटा लगेगा स्टमक में बैठेगा पूरा डाइजेस्ट करने के लिए एंड की थिंग कोचिज अगर आप सोता है और सब, यहां सब लोग uh, सुन रहे हैं क्योंकि uh, डायरेक्टर साहब है जो भी लोग है बोलने का आपका अटेंडेंस मैंडेटरी uh, uh, है रिमेंबर ओनली वन थिंग फ्रॉम दिस सेशन की द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट ऑब्जॉर्व मोर देन 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर आवर आई रिपीट

जैसा हम हम सब लोग मेरा खानदान के अंदर ना मेरा मामा है मेरा पापा है और पापा का, का पापा का जो ब्रदर है तो और मम्मी का ब्रदर है और उसका कजन है तो बहुत खानदान बड़ा खानदान होता है तो अमीनो एसिड के अंदर एक बड़ा खानदान है नाइनटीन अमीनो एसिड होते हैं और आप सब लोग जो कोचेस है आपने शायद सुना कि ग्लूटमिन सब लोग ने सुना ग्लूटमिन आपके करियर के अंदर इफ यू नॉट हर्ड ग्लूटामिन सर यू शुड नॉट बी अ कोच

लॉकी खरीद लिया तो मेरे घर वापस गया वेरी प्राउड लिट ऑल माइ वाइफ सी आई गॉट लॉकी वेरी नाइस माई वाइफ लुक्स मी लुक और बटाटा लाइक आई वॉन्ट दिस सो डिफिकल्ट शी सीज देर इज नो ऑनियन दर इज नो टोमेटोज एट होम हाउ विल आई कुक दिस सो आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू इज दिस कार्बोहाइड्रेट इज द बॉस you may have all the protein in the world you may have all the glutamine you may have all the bca you may have all the amino acids but if you don't have energy from carbohydrate these protein amino acids are useless so keep this in mind as coaches key. kafi sari players hota hai shock hai sir bca ka pre workout ka drink liya. by the way on day 3 i'm going to be talking about supplements so if you love my session come back on day 3 we'll be talking about individual supplements so coming back to the amino acids very, very, very important for you to understand two things. My athletes need protein, they need one gram per kg body weight for normal. They require anywhere from one to two grams depending on the athletic load. So, let me give you an example. Sushil Kumar's load was around 1.5 to 1.8 grams per kg body weight. Matlab, samaj lije, Sushil Kumar hai 70 kgs. So, 70 into 1.8 grams. उट हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स एक सौ दस तो मतलब पूरा दिन के अंदर मेरे को सोचने का सुशील कुमार को हंड्रेड एंड टेन ग्राम प्रोटीन देना ही पड़ेगा अभी सर वो वेजिटेरियन है ठीक है ना दिस वन ट्वेंटी ट्वेंटी ग्राम पर मील बॉस वी विल डू वन थिंग Post both his workouts, we will give him 20-20 grams of protein. Charlie's gram to wahaimel, 40 minus 110, I am left with 70. This is the function of a nutritionist. So as a coach, till you get a nutritionist, you should try and plan when very simple, basic. One, what is the protein requirement? If you don't know it, please mail me anytime. Uh, I will answer it. In the last 10 years, I have answered thousands of questions free of cost to coaches on small, small advice. I will tell you how much your player requires. कैलकुलेट दैटा इसको खाने का रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन एन एथलीट वॉट शुड यू लुक फॉर इन ब्लड टेस्ट दैट एम टू डू टूम कल में ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेगा ये जो ब्लड टेस्ट होता है मतलब जैसा ये स्टडी ओलिया है जो यूरिक एसिड शायद आपने सुना आपका मम्मी या डैडी का जो ब्लड टेस्ट किया और डॉक्टर साहब ने बोला सर आपका यू, ब्लड यूरिया बहुत हाई है आपका यूरिक एसिड बहुत हाई है और आ, पिसाब में इन द यूरिन प्रोटीन इन द यूरिन और सीरम क्रिएटिन और यूरिनरी क्रिएटिन इज वेरी हाई तो ये जो शब्द में निकाल रहा हूं इन मेडिकल साइंस वी लुक एट अ ब्लड टेस्ट टू टेल द हेल्थ ऑफ द बॉडी सो मतलब अगर आपका एथलीट कम वाला प्रोटीन या कम वाला कार्बोहाइड्रेट लेगा या कम खाना लेगा तो ब्लड टेस्ट में कुछ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा और इफ द एथलीट टेक्स एक्सेस सो कोचेस यू कैन लुक एट अ हीमोग्लोबिन यू कैन लुक एट अ ब्लड यूरिया यू कैन लुक एट अ सीरम क्रिएटिन यू कैन लुक एट अ ब्लड क्रिएटिन सॉरी यूरिनरी क्रिएटिन यू कैन लुक एट ई एस आर यू कैन लुक एट सी रिएक्टिव प्रोटीन काफी सारे टाइम मैंने ब्लड टेस्ट देखा कि एथलीट मेरे पास आता है और इंजर्ड है सर मेरे पास ब्लड टेस्ट है सर दिखा दो इसमें क्या है हीमोग्राम है हाँ ठीक है बस वही है और ये सारे तीन चार ब्लड टेस्ट वी आर नाउ इन 2020 यू कैन डू नियरली 168 ब्लड टेस्ट एंड यू कैन कम टू नो एक्जैक्टली व्हाट इज द इश्यू विथ योर एथलीट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोंट सिंपली गिव प्रोटीन इन द डाइट बिकॉज यू कैन देन सेटअप ज्वाइंट प्रॉब्लम करता है वी कैन डू ट्वेंटी डेज ऑफ प्योर न्यूट्रिशन आई कैन कंडक्ट ट्वेंटी डेज ऑफ प्योर क्लास एट आवर्स अ डे स्टिल वी विल नॉट कवर एवरीथिंग बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग एट ग्राम्स

ब्रोकली में कितना प्रोटीन मिल रहा है सो यू विल कम टू नो कि बेटा आपको हंड्रेड ग्राम्स राजमा खाने का आपको थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मिलीग्राम्स का प्रोटीन मिलेगा सो लाइक दिस एज अ कोच यू कैन बी अ टेम्प्री न्यूट्रिशनिस्ट बट लाइक आई टेल एवरी कोच अक्रॉस द वर्ल्ड डोंट बीकम द एक्सपर्ट साइंटिफिक एक्सपर्ट बिकम द किंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्सपर्ट every expert should be there you should have a nutritionist you should have a masseur physiotherapist blah, blah 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 and make these people give you the blueprint you are the managing director you are the ceo of your athlete so that is how you look at the blueprint abhi fats jo hota hai lot of people ask me sir fats acha hai ya fats bura hai first question every food is thumbs up every food is thumbs down we get good fats and we get bad fats जो फैट्स प्लांट से आते हैं नेचर से आते हैं वो बहुत अच्छा है जो एनिमल से आते हैं उसको सैचुरेटेड फैट बोलते हैं और जो एनिमल का प्रोडक्ट जो मिल्क का प्रोडक्ट जो हमारा जो घी या बटर मिलता है उसका सैचुरेटेड फैट होता है अभी हमारा क्लिनिक में हम लोग जेनेटिक टेस्ट करते हैं द रिसेप्टर्स फॉर सैचुरेटेड फैट मूफा पुफा ये मूफा पुफा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स

Most of it is bad क्योंकि वो हम हमारा डाइट के अंदर हमारा डाइट के अंदर बहुत फैट होता है आपका जो बटाटा वाडा समोसा अगर हॉस्टल के अंदर आएगा तो फ्राइड चिकन अगर होता है तो उसमें रिपीट जो जो करता है इज द फैट आर्टिफिशियली एडेड और इज द फैट नेबल इसका मतलब क्या है आई विल वॉलनट

normally uh, you know we are in a this is something that I want to portray to everyone that at some days some some of you will be administrators you will be in charge of lot of things and all the only request I ask you to look at is jo thel कैंटीन के अंदर यूज़ करते हैं जो कुक यूज़ करते हैं जो आपका किचन के अंदर है अगर कंट्रोल है आपके हाथ में go and check what oil ये using अगर वो पामोलिन या पाम ऑयल होता है इसका जो है इंफ्लेमेशन मार्कर्स ऊपर जाते हैं राइन सर ये इंफ्लेमेशन मार्कर्स कहां से आ गया सर जी इन्फ्लेमेशन का मतलब आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है गड़बड़ का मतलब आ, आ, कुछ झगड़ा हो रहा है सो वॉट झगड़ा झगड़ा नॉर्मली हैपेंस इन्फ्लेमेशन मैं बहुत ट्रेनिंग करता है तीन घंटा का ट्रेनिंग मसल का माइक्रोस्कोपिक ट्रॉमा ट्रॉमा होता है ब्रेकडाउन होता है सोनेस होता है खून तो मतलब हमेशा झगड़ा में होता है एंटी चाहिए वहां तो फ्री रेडिकल का डैमेज होता है तो ये झगड़ा हो रहा है तो जो फूड आप लेता है जो रेस्ट लेता है ये झगड़ा को कम करता है इन्फ्लेमेशन को कम करता है अगर आप बैड फैट्स लेते हैं बैड तेल यूज करता है तो उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है सो ऑल द दीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्राई एंड लुक एट द दर ऑयल लेटर्स यूज लेसर ऑयल लेसर फ्राइंग चॉइस ऑफ ऑयल दैट वी टेक शुड बी हेल्थियर

ये चीज बहुत अच्छा होता है ओमेगा थ्री इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और ओमेगा सिक्स उसको ज्यादा करता है, है, है रायन ने उसको कुछ दिया।, इसका बढ़ गया रहे, कुछ नहीं दिया यार मैंने सिर्फ जो फाउंडेशन न्यूट्रिशन वो सही कर दिया सही जोड़ी कर दिया बोलता है सो क्या होता है आज में इंडिया में क्या होता है एक कोच बोलते तुम िस खा लो एक कोच बोले ए, तुम बादाम खाओ एक तुम वॉलॉट खा लो सो मतलब एडवाइस इज एंड एडवाइस इज नॉट साइंटिफिक देर इज अ साइंस फॉर एवरी इंडिविजुअल इट्स द जेनेटिक्स एंड द ब्लड टेस्ट इफ यू बेस्ड एडवाइस ऑन दैट यू कैन गिव द फैट्स करेक्टली फॉर द जनरल एडवाइस ऑफ द कोचेज आई डोंट नो द एजेस ऑफ ऑल द कोचेज बट मैंने देखा कि काफी सारे कोचेज जो 40 साल के ऊपर है इसका जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत होता है और हार्ट के ऊपर प्रेशर होता है

अगर मैं आपको बोलेगा सुबह में उठने का है 500 सौ का गर्म पानी लेमन और लेमन और तुलसी लीज के साथ लेने का है तो आप उठेगा अरे यार रायन सर कैसा करने का मेरे को किचन के अंदर जाने का मिक्सर को चलाने का सब लोग को उठाएगा दीज आर ऑक्यूपेशनल अ कोच विल लर्न सो एडवाइस दैट यू गिव टू योर प्लेयर्स कैन बी वेरी रियल टाइम सो

पटियाला में बैठ रहा है। तो यहां से पटियाला जाने का मेरा पास कोडा है कोडा के अंदर कितना कितना डीजल लगाना पड़ेगा तो मेरे को कैलकुलेट करने का है। यहां से पटियाला तो मतलब वन थाउजेंड एट हंड्रेड किलोमीटर्स और मेरा गाड़ी दस किलोमीटर देता है तो मेरे को वन एटी लीटर्स डीजल चाहिए सो लाइक दिस यू डू कैलकुलेशन ऑन ट्रैवल इसका जो मतलब माइलेज ओके okay? आपके शरीर के अंदर हर चीज हर फ्यूल मतलब आपका जो फैट है यू गेट नाइन कैलोरीज फ्रॉम फैट यू गेट फोर कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट यू गेट फोर कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन तो समझ लीजिए अगर आई आस्क डॉक्टर बंसल टू रन फॉर वन आवर सॉरी और वॉक फॉर वन आवर तो आई विल टेक डॉक्टर आफ्टर ई फिनिशेज डॉक्टर बंसल से अरे यार दिया है कितना कार्बोहाइड्रेट है कितना प्रोटीन है और कितना फैट है सो द टोटल कैलरी इज बेस्ड ऑन द फूड इनग्रीडियंट इन साइड द पकौरा एंड द बटाटा वाडा समझ लीजिए सर बोलेगा मैं सिर्फ एक पानी का ग्लास पिएगा

बनाना यू टेक पपाया जो भी है इसका जो कॉम्बिनेशन होता है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंडा पकौड़ा का मैदा का फ्ला या बेसन का फ्ला यूज किया कितना पोटेटो है इसके अंदर है कितना तेल में फ्राई किया वो पूरे मिला के आपका कैलोरी का लोड देगा ना िन और मिनरल होते आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं देता जैसे आपके गाड़ी के अंदर तेल होता है अगर तेल इंजिन के अंदर डालेगा आपको कुछ माइलेज नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको तीनों पेट्रोल चाहिए प्रोटीन का इसके अलावा आपको एक तेल चाहिए जो कैटलिस्ट बोलता है वो बोलता है इंग्लिश में वाइटमिन और मिनरल्स आपने सब सुना आपका मम्मी ने शायद जब आप कॉलेज में पढ़ दिया ये लो बेटा मल्टी ले लो आपका बेजा तेज भागेगा द फंक्शन ऑफ वाइटमिन विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन बी ट्वेल्व एंड विटामिन सी ये जो ये जो दोस्त है वो वाटर सोलिबल वाटर सोलबल का मतलब है पूरा दिन आप हम सब लोग पानी पीते हैं अच्छा एवरी वन द बिगेस्ट प्रॉब्लम सिटिंग एट होम इज वी डोंट ड्रिंक वाटर मैंने देखा कि लास्ट सेवन टू टेन डेज मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो और क्योंकि ऑफिस में ये दो वाला जग पी रहा हूं और आज देखो मैंने सिर्फ इतना पी लिया आज पूरा दिन में भूल गया सो एवरी वन प्लीज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वटर इन योर ऑन दिस सेमिनार एंड इफ यू डोंट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज गेट अप एंड गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर नो प्रॉब्लम विल वेट फॉर टेन सेकंड फॉर यू ओके, okay. तो ये जो वाटर क्या होते, अभी ने, मैंने पानी पिया सो यूरिनेशन, यूरिन विल कम आउट लेटर ये जो हैं वो बोलते हैं अरे यार हम रायन साहब के बॉडी के अंदर नहीं बैठेगा मैं तो विटामिन बी ट्वेल्व हूं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीजे के अंदर जाने को जो नर्व्स है ना उसका मेमरिक पावर करने का है अच्छा रायन सर का जो इंसुलिन का जो शुगर सेल के अंदर जाएगा मैं बी ट्वेल्व हूँ मैं उसको संभालता है मैं उसका हफ्ता लेता हूँ और जो जितना भी ग्लूकोस है बाहर अंदर जाने के लिए वो मैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और विटामिन बी सिक्स बी नाइन आएगा अ भाई अगर ये आदमी रायन सर प्रोटीन लेगा तो अगर मैं नहीं हो बी9 नहीं हो बी9 बी5 बी6 नहीं हो तो ये जो प्रोटीन है कोई फायदा नहीं अंदर जाने के मसल बनाने के लिए सो ऑल द विटामिंस व्हिच आर वाटर सॉल्युबल से बाय आज तो मैंने पानी पिया तो वी विल बी देयर इन द बॉडी फॉर मे बी 24 टू 36 आवर्स उसके बाद हम लोग निकल जाएगा इसका मतलब है आपका डाइट के अंदर हर दिन

कुछ नहीं है जो वाइटमिन और मिनरल्स के अंदर है मैंने काफी मिनरल का ब्लड टेस्टिंग कर दिया और कोचेस प्लीज स्टार्ट लिपिड प्रोफाइल किडनी प्रोफाइल एंड लिवर प्रोफाइल हार्टी के लिया अच्छा विटामिन दिया हाँ सर विटामिन तो लिया विटामिन बी ट्वेल्व और विटामिन डी कर दिया सर जी विटामिन बी डी इज बिकॉज ऑल द डॉक्टर्सिंग दिस इन द लास्ट फाइव इन

I don't get any commission on this. Why I'm explaining this to you? The vitamin and mineral is where your athletic drop in performance will come from. You can do a genetic test to check for the gene markers for absorption, or you can do a blood test. अगर आप जीन मार्कर लेगा तो अगर कोई एथलीट आपके स्पॉन्सरशिप के ऊपर है या आपके ध्यान के ऊपर है और समझ लीजिए I am your athlete, ठीक है? I am come to you for high jump training. Let's assume all the coaches, all 3000, how many? 3, 000, uh, 339 coaches that are there. Oh, prime number, very good number. All the coaches, uh, all of us, um, y'all are all um, my coach and I'm come for high jump. Hai? Now you're invested in me and uh, one foundation is sponsoring my Pura training. Government of India sponsoring me. Now even Prime Minister is saying, Are isko you've ka, medal, ne next year I'm going to stop all funding. Now you'll say, Hey boss, this fellow is our Rolls Royce. What do we do? Sir, first thing you need to do, don't check his past record. Check his blood test. Blood test will be given what he's doing last three months. Then you do his nutrition gene test and figure out if I come back to you with a vitamin B12 deficiency and then I am also vegetarian. Remember one thing some vitamins are not found in all foods. Like, for example, B12 is found only in non-veg foods. सो so, मतलब अगर मैं नॉनवेज नहीं खाता और मैं वेजिटेरियन हो आई हैव टू बी लकी दैट मेरा जो पेट है जो बैक्टीरिया होता है पेट के अंदर वो खुद मेरा वी बनाएगा क्योंकि बाहर से नहीं आता है तो मतलब एक्सटर्नल सप्लाई नहीं होता है तो इसका इसका मतलब मेरे को सप्लीमेंट लेने का नहीं सप्लीमेंट लेने के पहले पहला ब्लड टेस्ट ले लो अगर मेरा ब्लड टेस्ट लो है कि मेरा बी ट्वेल्व है तो so मतलब बी ट्वेल्व का रेंज है टू वन एट टू हंड्रेड एंड एटीन टू नाइन हंड्रेड एक दिन क्या हो गया एक एथलीट आ गया सर मेरा ब्लड टेस्ट आ गया हाँ कितना है सर 225 सर पास हो गया मैंने बोला भाई साहब यू वांट टू विन ओलंपिक मेडल और यू वांट टू पास द क्लास

So, what we did then after that, every three months we are doing a blood test. he is doing a supplementation, supplementation is keeping it level, and then I told him, when you grow older, please check you might have to take injections. The fat soluble hai, second column your fat soluble hota hai, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin k, all of these.

इस रेडिएटर जब पसीना निकलता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड पोटेशियम सोडियम तो सब मिनरल बाहर जाता है अगर डाइट से रिप्लेनिशमेंट नहीं करता है तो ये मिनरल्स कम होता है ना भाई ये मिनरल्स का जॉब क्या है मिनरल्स का आपने शायद जब पढ़ाई किया एट स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड टीचर ने बताया कैल्शियम में दो प्लस प्लस है सोडियम में मैं भी भूल गया सोडियम में एक प्लस है क्लोराइड में एक नेगेटिव है इसका मतलब है ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी जैसा है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स ग्रीक में इलेक्ट्रो का मतलब है मिनरल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लाइट का मतलब वाई टी इलेक्ट्रोलाइट्स लाइट का मतलब सोल्यूशन तो अब हमारा जो खून के अंदर ये जो इलेक्ट्राइट जो होता है उसको ऑन ऑफ करता है तो मसल को ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स

कमजोरी भी प्रॉब्लम होता है यू हैव टू बी स्पेसिफिक इफ यू वांट टू विन मेडल्स। ही प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा uh, मल्टी वाइटमिन ले लो वी नीड टू गेट स्पेसिफिक ऐसे ही जानकारी ले लो आई स्टिल रिमेम्बर मेनी अगो एंड आई वुल नॉट टेक द नेम्स मे बी पर्सन इज ऑल्सो हियर मे बी नॉट ऑलरेडी रिटायर्ड आई डोंट नो बट सर हमारा जमाने में बटाटा वाडा चाय और हम लोग जाएगा और हमारा स्पोर्ट खेलेगा सर उस टाइम और 2020 में काफी फर्क है अगर वही वाला थिंकिंग में होता है ना तो व्हाई डू वी इवन नीड टू तो डू डाइट यार यू सेंड द प्लेयर होम लेट हिम ईट वॉट एवर ही वांट्स सो ट्रेस मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके आई क्विकली वॉन्ट टू एक्सप्लेन आई वॉन्ट टू टेक सम क्वेश्चन आई क्विकली वॉन्ट टू मेंटेन कैलरीज मतलब अभी समझ लीजिए फोर फोर नाइन प्रोटीन है मेरा इनपुट है खाने का इनपुट और राइट right साइड मेरा आउटपुट होता है एज अ कोच प्लीज अंडरस्टैंड अगर ये दोनों सही है आपका वेट गेन या वेट लॉस नहीं होता है वेट के अंदर आपका बोन वेट आपका वॉटर वेट और आपका मसल का वेट नेक्स्ट स्लाइड सर मैं काफी स्किनी एथलीट हूं मेरे को मेरे को हैमर थ्रो करने का मेरे को और 50 के गेन करने का सर मैं को सुशील कुमार हूं मेरे को 72 टू के जीज में सिक्सटी एट आने का है खेलने के लिए सो यू कैन हैव वेट गेन और यू कैन हैव वेट लॉस प्लीज रिमेंबर एज कोचिज यू वॉन्ट मोस्टली मसल टू रिमेन मसल यू हैव टू कीप योर मसल एंड रिमूव योर फैट वेरी वेरी डिफिकल्ट बट पॉसिबल इट्स अ करेक्ट वे So, अगर वेट लॉस करने का तो ज्यादा आउटपुट करने का है और डाइट थोड़ा एडजस्ट अच्छा करने का हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट फैट दिस इज द जॉब ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट ऑन हाउ यू बैलेंस कैलरी इनपुट एंड कैलरी आउटपुट नाउ आई जस्ट वांट टू शो दिस टू एवरीवन लेट एवरी वन की सो uh, so, समझ हैव हंड्रेड ग्राम्स ऑफ राइस सो एन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ राइस विल गेट हंड्रेड एंड फिफ्टीन कैलोरीज तो मतलब उसको, उसको करने के लिए आपको पंद्रह मिनट दौड़ने के लिए ठीक है एट फाइव माइल्स पर रफली अराउंड इट्स अराउंड एट और नाइन किलोमीटर्स पर आई थिंक ओके और अगर आप हंड्रेड ग्राम्स ऑफ बिरयानी लेगा विच इज टू फिफ्टी कैलोरीज तो उस, इसको जो ट्वेंटी फाइव मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स ऑफ रनिंग आपको जो एक चपाती है दस मिनट का है सो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड की अगर आपको uh, समझ लीजिए आपका बॉडी जैसा गाड़ी है कितना भागने का है या उल्टा सोचने का है कि बॉस आई हेट वन बिरयानी टूडे रन और हाउ मच ट्रेनिंग शुड आई डू सो यू कैन डू बोथ वेज मेरे को कितना ट्रेनिंग कर रहे हैं हा मच ट्रेनिंग एम आई डूइंग

Then physio, then nutritionist. Nutritionist has to come last because he has to understand what everybody is giving on top. Then he says, "Oh, boss, coach, you're giving so much training. Oh, trainer, you're giving one hour of gym training. Oh, physio, you're doing so much of rehabilitation. Itna tissue damage hota hai. Ye wo sab. Haan, take it, take it, Ye sab kuch. abhi calculate karega. Kitna protein, kitna carb, kitna fat, kitna vitamin, kitna mineral. So that is how the whole thing works. So you have to understand. Every food you take is like a currency.

Calorie input via food and calorie expenditure out of the athlete. Now, I just want to show you uh, what is there in terms of um, uh, different different things that are there. Uh, just give me a second. Yeah. So uh, in this we have

so i'm giving all of this information to all the coaches uh, please remember uh, if, you, if you do not remember the email id it's mradul mradul at coinnotion.com i'm giving the whole presentation also um, if you want the, the presentation you can just type in your chat box i want the presentation colleague is presentation तो फोर ऑफ माई डायटिशन आर ऑन दिस प्रेजेंटेशन इफ दे सी योर कमेंट की आई वॉन्ट विल मैसेज यू प्राइवेटली फॉर ई मेल आई डी एंड सेंड इट टू यू वेजिटेरियन का सॉस है और ये आपका जो नॉन वेज का सॉस है तो नॉन वेज का सॉस जो है जो नॉन वेज का सॉस है यू ईट वन होल एग एंड टू एग सो दैट्स that's about, uh, that's about uh, 10, uh, 9, uh, 12 grams of protein. a chicken, 75 grams of chicken will give you 12 to 15 grams of protein. mutton, 100 grams or 75 grams. i want to share a story with you. i am in one uh, specialized sports academy in india, private academy. it's here outside bangalore. i don't want to take names and all. but in this academy, all very, very rich children are going there. सब अमेर, अमेर बा, 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 बच्चा होता so, है। चाहिए, करते मैंने जब वहां ज्वाइन किया सबका ब्लड टेस्ट निकाल दिया और फ्रॉम टेन ईयर्स एज टू टीर्स ऑफ एज नियरली एटी परसेंट ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन लिवर किडनी एंड यूरिक एसिड डी रेंज पैरामीटर्स तो मैंने उसको बोल दिया मेन कोच और मेन ऑर्गेनाइजर मेरे बोल दिया सो इन फर्स्ट मंथ एवरी वन हेटेड मिस्टर राइन फर्नांडो क्योंकि मैंने सबको काट लिया मैंने बोला बॉस दिस इज योर वेट राइट नीड सेवेंटी फाइव ऑफ चिकन मतलब वेक करो उतना ही पीस लेने का है आपकी जीब आपका टंग के टेस्ट से हम लोग ऑपरेट नहीं कर रहे आपके पेट में ऑपरेट नहीं करते आपका बेजा में ऑपरेट नहीं करता है हम ऑपरेट करते आप इतना एक्सरसाइज करते हैं आपका हाइट है इतना अच्छे आपका वजन इतना होता है दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन बिलीव यू नॉट इन थ्री मंथ्स आई हैड नियरली 12% रिडक्शन एवरेज ऑफ ऑल बॉडी फैट परसेंटेज अक्रॉस द बिकॉज वी हैड डन द करेक्ट कंट्रोल सो सब लोग बोलते हैं अरे प्रोटीन देने का नहीं प्रोटीन इज नॉट द प्रॉब्लम इट इज नॉट नोइंग हाउ मच आई शुड कंज्यूम बिकॉज सर जीज मैडम जीज हम सब लोग जब खाना लेता है हम प्यार से हमारा मम्मी या दादी माँ या बीबी या सिस्टर जो भी है जो खाना बोलता है वो प्लेट के अंदर डालता है उनका सर्विंग होता है मेरा बॉडी के ऊपर सर्विंग नहीं होता है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज अंडरस्टैंड यू नीड टू सर्व बेस्ड ऑन यूर एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलरी कंजम्पशन एंड वॉट इज योर ग्रोथ फेज सो दियर्स दीयर्स दास्ट स्लाइड आई जस्ट पुड ऑफ दैट स्लाइड वे यू कैन गेट इन टूथ आई केप्ट सम टाइम टू टेक सम क्वेश्चन सो Um, shall we take some questions, Commander? Uh, can I look at the chat, or will somebody tell me the questions? Yeah. Okay. So I'm just going to go there. Just, just give me a sec. Just give me a second. I'm going to the Q and A sir. Okay. I'm going to go quick. Uh, quick draw. Okay. So, uh, Mr. Singh, uh, does sodium bicarbonate neutralize buildup of lactic acid, acid, acid associated muscles? सोडियम बायोकार्बोनेट इज टेकन इन द डायट रिसर्च एज शोन एनी वे फ्रॉम फोर हंड्रेड मिलीग्राम्स टू टू ग्राम्स ऑफ सोडियम बायोकार्बोनेट हेल्प्स इन लैक्टिक एसिड बॉफरिंग बट लॉट ऑफ एथलीट गेट गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस इसका मतलब उल्टी होता है या डिस्कंफर्ट होता है One in ten athletes, in my experience, have worked with lactic acid buffering with sodium bicarbonate. remaining nine did not work because of gastric distress. so yes, it does work, but you have to try and error. you shouldn't do more than two grams in a uh, five hundred ml solution uh, because beyond that, there is no proof some uh, one uh, competition I went uh, that poor fellow was taking one tablespoon of sodium bicarbonate I was yeah. दो सौ लीटर का पेट्रोल डाल दिया तो मैंने और पेट्रोल टैंक एड किया तो इसका मतलब मेरा बॉडी बोलेगा अरे साहब जी आप इतना आप इतना पेट्रोल नहीं यूज करेगा तो एक काम करेगा जितना पेट्रोल हम यूज नहीं करेगा जितना काब्स हम लोग यूज नहीं करेगा वो साइड में लगाएगा फैट के अंदर सो एक्सेस विल लीड टू फैट गेन सो दैट इज वाई डाइट प्लानिंग न्यूट्रिशन प्लानिंग इज सो इंपॉर्टेंट क्योंकि नाइनटी ऑफ ऑल इंडियन एथलीट्स आर थिंकिंग हाँ मेरे को खाने का है अरे भाई तुम कितना कितना पोशन ले रहा है Which food are you taking? What time are you taking? How much quantity you're taking? And is it planned according to your energy expenditure? Uh, does creating phosphate loading help in enhancing sprint performance? Um, no. Uh, see, if you have phosphate deficiency, which you can check in a blood test or the gene receptor test, then you want to give more things like carrots and all. But please un please understand one thing. anything that you give in the body which is excess, body has gatekeepers inside. ke matlab it will go to a certain level. Beyond a certain level you will not get maxed performance. So what I tell people, look at the curve of acceleration. अगर विटामिन बी टwelve कमजोर है, अगर फास्फेट कमजोर है, तो उसको भी बूस्ट करने का आपका पीक. So take the RDA recommended dietary allowance, boost it.

try and figure out what is that optimum level to give your athlete without losing the energy levels how to control body weight of adolescent female gymnast so this is from dr ravindra uh, puli dr ravindra uh, there is a athlete from uh, hyderabad who is with me she is a gymnast meghna uh, Gundapalli. Meghna and me are battling because her Italian coach wants her to be at 52 kgs, but she is at 57 kgs. How much I am trying to bring her weight down, her genetics is not allowing her. But in all of this, her body fat percentage has come down in 6% in one year with me, but the weight has not come down. But she's become slimmer and trimmer. She has not lost energy as long as there. But coach is the old school coach.

Uh, you have to use high protein, moderate carb. Use some fat burners. You can use things like cinnamon, dalchini. We'll talk about that in the supplement session three days later. Can we give food supplements such as protein and vitamins to athletes at age of 14 years? Anonymous attendee, you cannot give a supplement and protein supplement to a 14 year old unless you come to a nutritionist. Very very simple. You are nutritionist, are a coach. Hai. जो भी है यू आर नॉट द एक्सपर्ट ऑन डाइट, बिकॉज वॉट आई विल डू आई बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड आई विल जेंडर मेल फीमेल आई दिस आई विल चेक एंड से डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा है तुम्हारा वाइटामिन और मिनरल डेफिटली नहीं है क्योंकि मैंने ब्लड टेस्ट कर दिया नाउ लेट से आप प्रोटीन दे दो आप वाइटमिन दे दो वॉट इफ यू आर डूइंग किडनी ओवरलोड Or liver overload because you're giving more protein than that person's body can handle. Food for thought. You can also harm the person by self-prescribing supplements because you are not an expert. Please do it correctly. Uh, sir, tell me something about growth hormones. Can we give it to athletes at the age of 16 to increase height of the athletes? Kindly of clear my query. Um, growth hormone should be given only under the advice of a medical doctor, medical doctor with the sports authority of India doctor's permission, not by nutritionist, not by coach. If any coach wants to give any hormones, please understand there are two responsibilities in life: the responsibility to not cheat, which is doping offence; the responsibility to the health of the child fifty years later, because. A growth hormone can increase the size of internal organs and heart. So, unless the child is stunted and unless the doctor, the endocrinologist, gives the permission, Ryan Fernando, nutritionist coach, is not the person to give growth hormone. Please, I've said this on record, should not be given. To become sports nutrition India, which course do we have or which college? If I've done B.Sc. degree in physical education, we can't afford abroad. So, Mr. Varma, very very simple. You can do an M.Sc. in uh, nutrition. Uh, that will help you. M.Sc. in nutrition from I.G.N.O. or M.Sc. in nutrition from any university that's offering M.Sc. nutrition two years course. There are online courses abroad also uh, which you can do. You can also do certification nutrition program. I currently am pursuing the I.O.C. diploma and sports nutrition. I'm 45. Years of age, I still like to study. So, uh, they're saying that the IOC diploma is one of the best, both but it's ratified by the Olympic uh, Association. So, I'm doing that sports nutrition course just to understand the current progresses in sports nutrition because I studied in 1996. So, I want to be updated. So, please update yourself, it's good. What is the perfect weight and height for Archer? This question to be Sir, I am so and so age, I am so and so gender, male, female. Uh, my height is this much, my weight is this much. Uh, what is my ideal body weight? What is my ideal body height? What is the ideal weight and height for Archer? This your coach has to decide, not the nutritionist. So let's say for example the archer comes to me at 12 years of age. Sir, kya uska height. Bana sakta hai? Yes, sir. Give proper diet, we'll get maximum peak of height. I do this in race car drivers. I have a race car driver with me. Father said, sir, he cannot go beyond 511 because he'll not fit in the Formula One car after some time. They have to make special pedals and all. So usko control kia diet. Ke and that boy is with me for 9 years. So we are carefully monitoring. zada protein data, that's vitamin zinc, to hide. So the 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 forming of an athlete is the duo of the nutritionist, the doctor, the the, the the physiotherapist, the sports conditioning expert, and the coach. So all have to work together to find out what is the perfect. What kind of diet should we use for an archer? Sir uh, ये जो थ्री थाउजेंड ऑडियंस है सब स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन है अगर कोई स्पेसिफिक का एडवाइस चाहिए तो मृदुल एट विल हेल्प यू आउट शुगर गुड और बैड फॉर हेल्थ सर फ्रॉम हेल्थ परस्पेक्टिव शुगर इज नॉट गुड फ्रॉम परफॉर्मेंस परसपेक्टिव आई नीड शुगर आई नीड ग्लूकोज क्योंकि ब्रेन ग्लूकोज के ऊपर भागते हैं मसल्स ग्लूकोज के ऊपर भागते हैं लेकिन अगर आप ग्राउंड के अंदर जाएगा और एक ग्लूकोज का पैकेट लेगा और कट 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 ऐसा करेगा ये हार्मुल है परफॉर्मेंस के लिए सो शुगर इज रिक्वायर्ड इन परफॉर्मेंस बट शुगर कैन नॉट बी यूज फॉर शुड नॉट बी यूज बिकॉज डायबिटीज हाइपर टेंशन इज वेरी वेरी प्रोनामिनेंट देर आर थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन आई डोंट नो इफ आई कैन आंसर ऑल ऑफ दीज बट आई लाइक टू कम बैक एंड आदर हाँ गुड क्वेश्चन Uh, Ta Tanya Sanyal is asking, are non-vegetarians better athletes? I have worked with Sushil Kumar. Sushil Kumar is pure vegetarian. I work with Shubhankar Sharma, number one golfer in India, also a vegetarian athlete. I work with uh, so many, so many, so many key athletes that uh, even Shikhar Dhawan right now, batsman, is been with me for last three years, vegetarian. What I want to tell you this a vegetarian athlete has a faster recovery non vegetarian athlete gets creatine carnosine and uh, one more thing from red meat which help in lactic acid buffering so what i do with vegetarian athletes i give a proper supplementation which you lose out from the benefit molecules of the non vegetarian diet so you can remain a vegetarian athlete with a proper nutritional guidance nutritionist advising you what are the top molecules how much time needed to digest milk, chicken, mutton, beef, fish? At least one hour minimum for white meats. White meats are chicken and fish. Uh, red meats take at least two to three hours to digest. This is from Mr. Matthew in uh, Bangalore. What is the best source of water soluble vitamins for child athletes? See, the best source of water soluble vitamins is normally your fruits and vegetables. Most fruits and vegetables have vitamin B and vitamin C in them. So, for example, vitamin C will come from oranges, guava will come from kiwi, uh, will come from mango. Uh, your B complexes will come from all the green leafy vegetables. So, this is how you have to teach children, children athletes, to eat more vegetables. And if you cannot teach them to eat more vegetables, camouflage it, Pau baji banalo, कटलेट बना लो कटलेट के अंदर ज्यादा वेजिटेबल बना लो मेरा क्लिनिक के अंदर हमने तीन चार सैलेड का रेसिपी बनाया जहां वेरी गुड सैलेड ड्रेसिंग लगाया जो चिल्ड्रेन लाइक द टेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल वाह माय गॉड इज़ सो मेनी सो मनी What is keto diet? Keto diet is a high fat diet. Okay. What to eat before and after a workout? Uh, before a workout, there should be a one hour before fifty to sixty grams of protein. Sorry.

भाई हमें ऐसा बोल सकते है कि आप चना ले सकता है आप चिकन सैंडविच ले सकते हैं एक घंटे के पहले एक मिल्क शेक के साथ प्रोटीन के शेक बना सकता है ड्यूरिंग वर्कआउट यू कैन हैव नींबू पानी इलेक्ट्रॉल गेट रेड बॉडी फ्यूल्स फास्ट चार्ज उसके अंदर बी लगाने का उसके अंदर ग्लूटमिन लगा सकते हैं वर्कआउट करने के बाद 25-30 थर्टी ग्राम्स का वो वे प्रोटीन का स्कूप लगा सकते हैं उसके अंदर बनाना या चिकू या उसके साथ एक अच्छा सैंडविच खा लो सो तो मिल्क शेक ले लो प्रोटीन शेक ले लो और सैंडविच खा लो अगर सैंडविच नहीं ले, लेता है डिनर एडवांस करो अगर इवनिंग का ट्रेनिंग होता है सात बजे साढ़े सात बजे आठ बजे ट्रेनिंग खत्म हो गया तुरंत डिनर खा लो डिनर के साथ वो प्रोटीन शेक पी लो अगर वेजिटेरियन है अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके साथ जो खाने का चीज़ होते हैं चिकन फिश चिकन फिश मटन ये चीज लगा दो और अंडा भी उसके साथ लगा दो कैन वी गेट ऑल अमीनो एसिड इन वन वेजिटेबल नो यू कान गेट इट आपको कॉम्बिनेशन करने का है कि जितना भी वेजिटेबल होता है यू हैव टू डू अ मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स टू गेट ऑल दी वेजिटेबल्स हाउ कैन आई इंक्रीज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थ्रू फूड्स ये सब कोचेस को ये जानकारी लेने का है कि

सर uh, मेरे को बी कॉम्प्लेक्स चाहिए हां वो भी मिल रहे हैं सर मेरे को अमीन एसिड कर रहे वो मसल वहां मांग रहे अमीन एसिड हां सर बहुत अमीन एसिड है ब्लड स्ट्रीम है कोई दिक्कत नहीं ब्रेन तो ताजा है स्ट्रेटी लगा दो लगा दो जीतने के लिए सो वेन यू डोंट गिव गुड न्यूट्रिशन द ब्रेन शट्स डाउन फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एबसेंट कि तुम्हारा सारे एथलीट ऐसा होता है कभी कभी मैं स्टेडियम uh, के अंदर जाते मैं सब एथलीट को देख वहां खड़ा होता है अरे यार ये तो फिजिकली प्रेजेंट है मेंटली एब्सेंट है what's the point sir of spending so many hours with our athletes have proper sessions where the brain is working what do you need you need b complex you need glucose you need electrolytes you need bca which works on uh, mental fatigue So bca helps in reducing mental fatigue or agar dimag lagane to omega 3 dha the omega 3 improves the brain firing and very important which improves aerobic capacity and brain uh, memory and recognition and reactive times is फॉस्फेटल में कुछ नहीं है दिस आर ऑल नेचुरल मॉलिक्यूल जैसा मैंने बोला ना फॉस्फेटल सेन और फोस्र कोलिन दिस इज फाउंड इन पंपकिन सीड्स एंड सोयाबीन एंड एग युक अंडे का जो येलो पार्ट है तो उसमें से होता है कमांडर गर्क हाउ लॉन्ग कैन आई गो ऑन फॉर व्हाट इज माय स्टॉप टाइम सर यू प्लीज करेक्ट मी व्हेन आई शुड स्टॉप ओके थैंक यू सर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन इन इंजरी सच सचेज मेनिस्कस स्टोन मैंने काफी सारे कोचेस को बताया कि अगर ये मेरा घर है अभी ये दिवाल को तोड़ने का कॉन्ट्रेक्टर बुलाएगा तो ये दिवाल तोड़ेगा बाहर है रास्ता

रिपेयर करने का है, आपको कॉलेजिन देने का, आपको जेलेटिन देने का, आपको टर्मरिक देने का, इन्फ्लेमेशन कम करने, आपको विटामिन सी देने का, आपको ज़्यादा एंटीऑक्सिडेंट देने का। I actually have a video uh, by one athlete. Doctors told the athlete the thumb the thumb broke. He'll come back after eight weeks. I got him back in 24 days to the team. They took the X-ray, absolutely healed. म सींग दिस ओवर दर्स काफी सारे एथलीट्स uh, मेरे पास आता है जो आनंद जोशी के पास जाते हैं मिनेस्किस टेयर करने के लिए मैं बोलता है सर्जरी जाने के पहले स्टार्ट योर न्यूट्रिशन स्टार्टेड योर एथलीट क्या सोचता है अभी इंजरी हो गया है ना ए तीन महीने का बड़े डॉक्टर ने बोला नौ महीने का तो ने, कुछ नहीं कर सकते तो जो भी खाने का खा लो इस लॉकडाउन में तुम्हारा सारे एथलीट में इतना बर्बादी कर रहे पता नहीं आई एम कॉलिंग अपल मैथ भाई तुम क्या है? सर तो जाने दो ना सर नेटफ्लिक्स देख रहा चिप्स खा रहे Bhai, we are losing mitochondrial efficiency, we are gaining fat, you can't get this back. Nutrition is so important in lockdown. I remember at the beginning of the lecture I said you can not work out for this full one month of lockdown, but you cannot not eat one day. So that is the most important thing that food has to be had as per the science. Food should be taken in the correct quantity, correct time, and these are the main things. ये तीन चीज सब कोचेस करेगा कि बेटा टाइम पर ले लो क्वांटिटी पर ले लो और मेरे को बता दो उस कटोरी के अंदर क्या है ये तीन चीज बोलता है इंग्लिश में बैलेंस न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इसके अंदर आएगा और बोलेगा बॉस यू आर अ फरारी आई विल ट्यून यू एंड यू बेटर सो देउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन बट आई कैनॉट टेक मोर क्वेश्चन माई टीम Promises to answer over 400 questions that are over here. So I have four of my teammates. So Smital, uh, uh, Prapti and whoever else is uh, listening in, Mradul, make sure that all of these queries come to my desk and we are answering all of these queries. Commander Gauri, I had a great session today. Uh, Tomorrow's session, I'm coming back again. Uh, any last words from your answer? सही बात है सर थैंक यू टू साई फॉर इनवाइटिंग मी No 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 you can ask me today but if references for tomorrow tomorrow also sorry for you So, the first question I have never found a study if I' have understood your correct question correctly I' have never found a study which has said what is the uh, surface area absorption of amino acids into the uh, gut that is how many receptors are available and what sort of transition time. The only study I ever found out was they were able to figure out through fecal matter assessment that how much of how much of how much of protein was consumed. Uh, how much would have been absorbed and how much was excreted in the feces. So that was the way they were able to calculate that that 10 to 15 gram is the range. So I will continue my research and see if I can find anything, if there is any study on those um, uh, gut receptors. The second question was on glycogen loading, is it gender specific? Um, sir, I i don't, uh, don't believe in my experience that it's gender specific uh, but uh, the, the, the muscle composition and the fat composition in the male and female species is completely different so i would calculate uh, glycogen loading uh, based on uh, the body weight of a person and in that body weight i would look at skeletal muscle mass and then if you go back to basic tenets in exercise physiology they will say that uh, glycogen loading is certain number of grams on a certain sample size of a 72 kg man. So what I would do, I would then compare. 72 kg man can hold 400 grams, or sorry, I think it's uh, 1.2 grams or 1.2 kg's of glycogen. So then I would go back to that equation and then come down to say my girl athlete is 55 kg's. So accordingly, say that okay, she needs to have so much of glycogen in her muscles. And I know that one gram of glycogen holds three molecules of water. So then I get a little more confused and think okay, one gram of uh, glucose that I'm giving is going to hold three grams of water. So then I'm also looking at the weighing scale, which gives the water percentage, and then see if I'm. Gaining on water percentage because I am gaining on water percentage after I've carb loaded, I think I've done the right thing. And beyond a certain level, if I don't gain water loading, that means I'm moving now into fat because the carbohydrate is excess. So I kind of think that this is the balance that I would approach it with. But I believe, uh, unless uh, you know, the, we go into a scientific lab where we are measuring breath. And you are measuring fecal matter, we can't get the exact standard. So, you operate somewhere within a parameter of saying that there is the global standard that so much carbohydrates need to be given per day for so and so type of training, and uh, we use that as a benchmark to proceed forward. Dr. Sarla, nice to see you. thank you sir thank you sir god bless everyone thank you everyone for listening and see you tomorrow same time